संपूर्ण कोरोना काल के दौरान समस्तीपुर सदर अस्पताल में सैकड़ों मरणासन्न कोरोना रोगियों को इलाज कर जीवन देने वाले डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह को ठेकेदार भूमाफिया एवं भाजपा नेता के तिकड़ी द्वारा तिकड़म रचकर सस्पेंड किए जाने के खिलाफ शनिवार को समस्तीपुर शहर के विवेक विहार मोहल्ला से आईसा कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध मार्च निकाला, जो शहर के क्रांति होटल के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता आईसा के जिला अध्यक्ष लोकेश राज ने की, जबकि संचालन जिला सचिव सुनील कुमार ने किया। सभा को संबोधित कर अशोक कुमार, मोहम्मद सागिर, मनोज शर्मा, सोनू कुशवंशी, भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह, चुल्लू बाबू, धीरज कुमार राजा, रजनीश कुमार आदि ने करते हुए भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया। इन्होंने मांग किया है कि इस घटना में भूमाफिया ठेकेदार भाजपा से जुड़े हैं, डॉक्टर को सस्पेंड कराने में उनका हाथ है, अतः इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर कोरोना योद्धा डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह का सस्पेंशन समाप्त किया जाए। अभी आयशा के द्वारा जुलूस निकाल कर चर्चित कोरोना काल के डॉक्टर जिन्होंने सैकड़ों कोरोना रोगी का जान बचाया, समस्तीपुर सदर अस्पताल में हेमंत कुमार को भूमाफिया सीएस भाजपा के सांसद के मिली भगत से सस्पेंड कर दिया गया है। छात्र युवाओं समस्तीपुरवासी में आक्रोश है। हम मांग करते हैं कि भूमाफिया के साठगांठ सीएस के साठगांठ की जांच किया जाए और कोरोना योद्धा डॉक्टर हेमंत कुमार का निलंबन वापस किया जाए, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, भाकपा माले जिला कमेटी समस्तीपुर। क्या कार्यक्रम है आज? हम लोग की कोरोना काल में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार द्वारा अच्छा काम करने और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के खिलाफ भूमाफिया के इशारों पर जिस तरीके से डॉक्टर हेमंत कुमार को निलंबित किया गया है, वो आज हम लोग का मांग है कि डॉक्टर हेमंत कुमार का निलंबन वापस की जाए और भूमाफिया के इशारे पर जो सदर अस्पताल का जमीन हथियाया गया है उस जमीन के ऊपर सरकारी अस्पताल का जो है बाउंड्री वॉल कराई जाए। इस तमाम मांग को लेकर के आज हम लोग जुलूस निकालकर उनकी निलंबन की वापसी की मांग कर रहे हैं और सरकार के पावर का दुरुपयोग करने वाले के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई लगाने की मांग करते हैं। नाम पता जिला सचिव आयशा समस्तीपुर सुनील। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।